यार फ्राइड राइस ना सच में अच्छे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कैंपस का शानदार व्यू और गेट से एंट्री कर चुके हम। इधर जो है ना, ये ऑडिटोरियम है और यहाँ का व्यू तो एक नंबर होता है, बिल्कुल मस्त। और ये है हॉस्टल। तो अभी ये सामान दिखेगा वहाँ पे, पुराना सामान, और फिर उसके बाद नया रूम लेगा यहाँ पे, नया हॉस्टल मिलेगा इसको, अलॉट होएगा। ये इस तरह से रूम है यहाँ पे बने हुए दोनों तरफ, इधर इधर पुराना वाला रूम। गैलरी है पूरी, इधर उधर रूम बने हुए दोनों तरफ, और इधर की तरफ सामने वॉशरूम बने हुए। और साहिल जी के रूम अलॉटमेंट के लिए जा रहे हैं हम। रावत जी के, हमारे दोस्त मित्र के बेटा है ये, जो यहाँ पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और आज इसको नया अलॉटमेंट होना है हॉस्टल का। उसके बाद एक साल और बचेगा ना इसका। और यहाँ का तो व्यू हमेशा की तरह ऑसम व्यू रहता है यहाँ पे, ये देखो जबरदस्त। ये सारे नीचे की तरफ हॉस्टल हैं और ये इधर की तरफ भी हॉस्टल हैं और इधर की तरफ भी सारे हॉस्टल हैं और यहाँ नीचे की तरफ भी सब हॉस्टल ही हॉस्टल है चारों तरफ। हरियाली हरियाली हो रही है यहाँ सारी ना, और इधर की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल पूरा कोहरा लगा हुआ। आ गए परांठे और ये चटनी, अचार और चाय। रावत जी मेरे परांठे चल रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो 11 बज चुके हैं अभी, और अभी उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ रूम का, तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं अभी, बहुत देर हो गई थी, हमने 11 बजे थोड़ा खा पी लेते कुछ, तो परांठे लिए हैं, चाय पी ले रहे हैं हम यहाँ पे, और ये कैंटीन है इनकी। तो दोस्तों ना, परांठा बड़ा टेस्टी हो रहा है यार, मस्त मज़ा आ रहा है। ये जो ग्रीन चटनी है ना इसके साथ में, इसमें बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है। पता नहीं किस चीज़ की बनाई इन्होंने, हरी मिर्च है इसमें, एक दो धनिया है ना, हरी मिर्च तो धनिया की चटनी है ना, और परांठा भी इतना गोल मटोल हैवी सा परांठा ना, मज़ा आ गया भाई खा के। मौसम खुल गया ना, अभी देखो कितने अच्छे अच्छे सीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, बहुत सुंदर व्यू दिखाई दे रहा। ये दूसरा हॉस्टल आ गया इसका, यहाँ हो गया नोट, श्री गणेश हो गया तेरे रूम का है। तो दरवाजे से तो यहाँ पे आनंद वैली कैफ़े है, अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रूम लेना हमारे को। एक्चुअली पिछली बार भी हम रुके थे इनके रूम में और इस बार भी ले रहे हैं, तो आज रात को तो रुकना ही पड़ेगा हमारे को यहाँ पे। तो थोड़ा ज़रा खाने पीने के लिए कुछ लेते हैं यहाँ पे अभी, और रूम में चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और फिर अभी बच्चे को हॉस्टल अलाउड तो हो गया, लेकिन जो पहले के बच्चे उसमें रह रहे थे उन्होंने अपनी जो कवर्ड अलमीरा वगैरह होती है वो खाली नहीं करी है, क्योंकि वो अभी पहुँचे नहीं थे। तो जब वो पहुंचेंगे तब वो अलमीरा खाली होगी, फिर उसके बाद इसका सामान उसमें शिफ्ट होएगा, तो वो सब अभी करना हमारे को बाकी है, तो वही करेंगे। अभी शाम के टाइम तक आ जाएंगे वो लोग, तो उसके बाद शिफ्ट हो सकता है।
और अभी वक्त हुआ 1:20 हो गए हैं, तो बस खाने पीना भी थोड़ी देर में करते हैं। अभी यहाँ 2-2:30 तक बोला उन्होंने खाने के लिए, तो देखते हैं। मौसम में अभी धूप आ चुकी है, क्योंकि 3 बजे से हमारे को रास्ते में बारिश ही मिलती थी और यहाँ तक आते आते पूरी बारिश और फॉग ही लगा हुआ था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे आते ही एकदम धूप हो गई भाई, और ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर एकदम धूप है। तो आज का लंच यही हो रहा, फ्राइड राइस हो रहा है। अभी हमने पराठे भी खाए थे थोड़ी देर पहले, तो अभी फ्राइड राइस खा रहे हैं। यार फ्राइड राइस ना सच में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे चटनी के साथ ना मजा आ रहा खाने का। है गाड़ी तो ऊपर है, देख रहा। 4:50 हो गए हैं और अभी इसका सामान शिफ्ट हो गया, फाइनली इसको रूम मिल गया है और इसका सामान शिफ्ट कर रहे हैं अभी, तो सामान वहां डाल देंगे इसके लॉकेबल केबल में। और सारे लोग देखो सामान शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे सारे इस तरह से। और इवनिंग का व्यू बहुत सुंदर, और अभी 6:45 का टाइम है शाम के, और यहाँ पे सूर्य देव जी यहाँ पे लालिमा जहाँ पे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और साफ मौसम है अभी बिल्कुल। साहिल जी का फाइनली रूम सेट हो गया है यहाँ पे, पूरे लाइन से लगे हुए हैं। और इस टाइम कैंपस के अंदर लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और सामने की तरफ गांव दिख रहे हैं देखिए। यहाँ पे आए चाय पीने के लिए, और चाय बन रही है हमारी, चाय पीते हैं अभी शाम की। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है, और मतलब तेज, इतनी तेज क्या ही बोलूँ मैं आपको, है ना, आवाज़ सुन रहे हैं इनकी, जो चादर है ना उस पर आवाज़ आ रही बहुत तेज तेज। तो खाना भी अपना हो भी चुका है, डिनर वगैरह रात का जो भी था, और बस बारिश देख के डर लग रहा है यहाँ पे कि इतनी तेज़ पानी गिर रहा है, मैं क्या ही बताया आपको। यह इनकी नाली से देखो कितनी ज़ोर से पानी निकले जा रहा है यहाँ से ऊपर से, और ये ऊपर से पानी जो टपक रहा है, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही होगी। तो बस अब मैं वीडियो भी इसके साथ एंड करता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में जल्दी ही। तो गुड नाइट, शुभरात्रि, और हमारे को भी शुभरात्रि, इतनी तेज़ बारिश हो रही है क्या बोलूँ।